हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी सी हल्क ने कितने सुपर हीरोज के साथ कांड किया है, मतलब कि कितने सुपर हीरोज से ठुकवाई है। तो बिना हैंडल मारे और बिना सी हल्क को प्रंडी है ताली बोले प्रारंभ करते हैं। जेनिफर सुजन वॉल्टर्स, जिन्हें हम कायदे से सी हल्क के नाम से भी जानते हैं, इनकी ओरिजिन में ये कुछ ज्यादा ही घायल हो जाती है। तो बैनर साहब ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मदद से इन्हें वापस से ठीक किया था, लेकिन वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनकी कजन को ही सी हल्क बना देगा, वो ये बात नहीं जानते थे। खैर, यहीं से जेनिफर की सुपर हीरो वाली लाइफ शुरू होती है। ध्यान देना, ये हल्क की मैटरनल कजन है, उसकी लव इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं। हर किसी की जिंदगी में तो कोई होगा ही, स्पेशली सुपर हीरोज की लाइफ में मेजोरिटी ऑफ कैरेक्टर्स के बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स रह चुके हैं, कितनों ने तो अपना घर भी बसा लिया है। लेकिन वीडियो में हम सी हल्क के लव लाइफ के बारे में जानेंगे कि उनकी जिंदगी में कितनों ने उन्हें प्यार दिया है, ये वाला प्यार। तो सीधा जगरनॉट पे जंप करते हैं। एक फनी इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक कॉमिक में जब वुल्वरीन और सी हल्क एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब वुल्वरीन चचा को पता था कि सी हल्क और जगरनॉट का लफड़ा हो चुका है, लेकिन सी हल्क गुस्से में चिल्ला के कहती है कि मैं जगरनॉट के साथ नहीं सोई हूँ, क्यों मेरे बारे में सब ऐसा कह रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो ये क्या है। हाँ, टाइमलाइन का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा वाला रिलेशन था। फोटो में साफ ही दिख रहा है, रात भर बहुत मेहनत की है अपने जगरनॉट भैया ने। और ये कॉमिक रिलीज हुई थी 2004 की अनकैनी एक्समैन इशू 435 के नाम से, और डैन स्लॉट ने ये क्लैरिफाई भी किया था कि ये कॉमिक किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में है। अब चाहे इस यूनिवर्स की हो या किसी और यूनिवर्स की, तुम्हें मजे मिले ना, बस और क्या चाहिए। तो अगले कैरेक्टर पे आते हैं, अपने आयरन मैन यानी कि अपने टोनी चीचा। इन्हें ऐसे ही प्ले बॉय नहीं कहते हैं, पुराने खिलाड़ी हैं अपने चीचा। ये कॉमिक आपको देखने को मिलेगी 2005 की सी हल्क इशू 17 में। कई सालों के दरमियान में टोनी और जेनिफर ने अपना कैजुअल रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया था। तो कॉमिक में एक सीन के दौरान सी हल्क और टोनी स्टार्क एक ही चादर में अधनंगे होकर डबल स्टैंडर्ड्स की बातें करते हैं, और तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है। और जिस हिसाब से कैजुअल होके वो बात कर रहे हैं, आई एम श्योर ये इनका फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी ये दोनों एक दूसरे की इतना क्लोज हो चुके हैं, लेकिन हमें जानने को अभी मिला है। और अगर आप समझदार हैं तो अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि दोनों एक चादर में क्या करते होंगे। अब मैं अगले लव इंटरेस्ट की बात करूं तो आते हैं अपने मैन वुल्फ पे। एक्चुअली इनका नाम जॉन जैमसन है। सी हल्क कॉमिक में इससे शादी भी कर चुकी है। हाँ, वो दोनों बाद में अलग भी हो जाते हैं। तो अगर हमें इनके शादी और शादी के बाद वाली लाइफ को देखना है, तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा 2006 की सी हल्क इशू 9 में, जहां दोनों की शादी हो चुकी है। इशू 10 में जहां दोनों हनीमून पे जाते हैं। ज्यादा एक्साइटेड मत हो, वन लाइक चीजें तुम्हें नहीं मिलेगी, जानता हूँ कि तुम लोग क्या देखोगे। और इशू 11 में जब मैन वुल्फ ठीक हो जाता है, तो दोनों तैयार हो जाते हैं अपने अगले एडवेंचर्स के लिए। सी हल्क का अगला लव इंटरेस्ट है हरक्यूलिस, ज्यूस का बेटा। ये मार्वल यूनिवर्स में गॉड लाइक पावर्स रखता है। तो हमें इनका रोमांटिक रिलेशन को देखना है, तो हमें सी हल्क कॉमिक इशू 30 देखनी होगी, जहां पहले ही पेज में हमें ये देखने को मिलता है। क्यों? कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जेनिफर हरक्यूलिस को शुरू से ही पसंद करती थी, एक तरीके से वो उसका क्रश ही था। और होता भी क्यों नहीं, इमॉर्टल है, गॉड लाइक स्ट्रेंथ है, मस्कुलर है एंड हैंडसम तो है ही, और क्यों नहीं रह सकता है वो उसके साथ। असली सेटिस्फेक्शन तो यही दे पाएगा। तो जब कॉमिक में दोनों विलन से लड़ चुके होते हैं, तो दोनों वैन में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। काम हो चुका है इधर, फिर तभी उसकी दोस्त उसको जाने के लिए कहती है, और सी हल्क हरक्यूलिस को बीच रोड पे ही छोड़ के चली जाती है। वो बेचारा कपड़ा तक नहीं पहन पाया होता है। फिर वो बताता है कि सी हल्क ने कैसे उसे सेंस्ड करके बीच रास्ते पे छोड़ दिया। हरक्यूलिस परेशान दिल से कहता है, लगता है कि उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। भैया, इनका भी कट गया। हरक्यूलिस चचा, प्यार मोहब्बत के बारे मत सोचा करो, लड़की ने दिया तुमने लिया, काम हो गया। मगर क्या करें, कभी कभी लग जाती है बात दिल पे। खैर, अब मैं अगले लव इंटरेस्ट की बात करूं तो आते हैं रिचर्ड रोडी पे। सी हल्क से इनकी मुलाकात सेवेज सी हल्क इशू 7 में होती है, और इशू 25 आते आते सी हल्क इन्हें छोड़ के भी चली जाती है। भाई, इन तो शुरू होते ही खत्म हुए यार।
इनका रिलेशनशिप कुछ ज्यादा लंबा नहीं चला, बस दोनों के बीच में शॉर्ट लिफ्टेड प्यार था। तो जब इशू 7 में रिचर्ड का डबल लक चल जाता है और वो कसिनो से $1.5 million जीत के जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात सी हल्क से होती है। दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं और दोनों में प्यार भी उमड़ पड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इशू 25 में सी हल्क जैपर के लिए रिचर्ड को छोड़ देती है। मैंने तुमको पहले ही बोला था, ये औरत कांड ही करती है और कुछ नहीं। और फिर रिचर्ड ये सोचने लगता है, शायद मेरे ही अंदर कोई कमी रह गई होगी, शायद मैं ही पेसिमिस्ट हूँ, मतलब कि चीजों को नेगेटिव वे में सोचने वाला, इसीलिए उसने मुझे अपनाया नहीं। तो आपको कैसी लगी जेनिफर वॉल्टर्स की ये सी हल्क वाली लव लाइफ? इसके अलावा सी हल्क के और भी रोमांटिक स्टोरी आर्क्स हैं, लेकिन ऑल द वे इंटरेस्टिंग यही थे। तो आपको कैसा लगा सी हल्क का ये हवस? एंड मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि सी हल्क को कौन कौन से सुपर हीरो कैरेक्टर्स सेटिस्फाई कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।